मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं बाहर धूप सेक रहा था। पता नहीं ये लोग कहाँ घबरा गए, करण भाग गया, करण भाग गया, करण खो गया। करण बच्चा थोड़ी है, करण कोई चूहा थोड़ी नहीं घर का। यहाँ बैठा था मैं बाहर गार्डन पे, बताओ एम इतनी टेंशन ले रहे हैं। नाराज नहीं था, थोड़ा अपसेट हुआ था मैं किसी बात को लेकर, मेरी गलती हो गई थी, तो मैं उस चक्कर में बाहर ऐसी धूप सेकने आ गया। एम इधर उधर भाग रहे हैं, पूछो कुछ नहीं। ये एक्चुअली भागना चाहते थे पर इतनी हिम्मत है नहीं इसमें कि ये भाग पाए, तो यहीं बस लॉन तक भाग पाया बेचारा। गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। एग्जैक्टली शारदा जी भी आके कुछ आपको मना रही हैं, समझा रही हैं जी। आप एक लॉन में बैठे बैठे दिमाग में आइडिया, काम करता हूँ भाग के देखता हूँ, अगर ये लोग इतना टेंशन ले रहे हैं भागने से क्या होगा। तो मैं भागने लगा तो फिर शारदा जी कहेंगे पागल है क्या, एम ही भाग रहा है, फिर साथ में भागते हैं। तो फिर नैना आके रोक लिया, कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा है मम्मी। तो बस ऐसे करके सीन खत्म कर दिया, इन्हें भागने नहीं दिया हम दोनों को साथ में। वरना हाँ मतलब लॉन तक आया था, गेट तक तो भाग जाता ना, फिर गेट से लाना पड़ता, उतनी हिम्मत है करण। इतना बड़ा घर कौन छोड़ेगा, पागल खड़ी हो तभी तो आज तक बचपन से इनकी गालियाँ क्यों सुन रहा हूँ, बैठे बैठे सब मिल तो रहा है मुझे। जी वो एक्चुअली सीन के मुद्दे पे आ रहे हैं, तुम तो कहीं और ही हो। वो हमेशा ऐसे करती है। एनीवे हाँ हुआ क्या, मेरी एलर्जी हो गई शारदा जी को, तो मैं हो गया परेशान हूँ, मैंने सुन लिया इनको बातें करते, तो मैंने जब देखा तो मैं बहुत परेशान हो गया। इस चक्कर में मैं लॉन में आगे पता नहीं भाग गया या क्या हुआ, बट मैं लॉन में आ गया, तो ये लोग को स्ट्रेस ही हो गया कि मैं भाग गया हूँ, फिर ये लोग आए। बट मेरा प्लान भागने का ही था, लॉन में बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, एक काम करता हूँ मैं भाग जाता हूँ, मैं गया तो परेशानी भी भाग जाएगी। तो शारदा जी ने मुझे ढूंढ लिया, फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ ऑफ आई होते रहता है, फिर ये आई, फिर इसने बोला भागना है, भाग जाओ। नैना आप कैसे बनी इनकी लाइफ सेवियर? मैंने एक्चुअली इस बार एक दूसरा तरीका अपनाया जहाँ मैं इसको बोलती हूँ कि ठीक है जाना चाहते हैं ना तो जा। अब जो बंदा एक्चुअली रहना चाहता है और सिर्फ बोल रहा है मैं जाऊँ जाऊँ, वो तो रुक जाएगा ना इसी बात सुनकर, तो रुक गया। रियल लाइफ में ऐसा होता है, इसलिए इसने अपना लिया इस पर करण पे, वरना अंकिता का ऐसा होता है जब बोलती है ना मुझे नहीं करना मुझे करना, इसको बोल दो मत कर फिर वही करेगी। तो ये अच्छी टैक्टिक अपनाई नैना ने, कह सकते ये हमेशा काम आती है। मुझ जैसे आदमी के लिए तो हमेशा काम आती है कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये करूँगा करूँगा, बोलो जाकर तो फिर मैं रुक जाता हूँ। लास्टली जाना चाहेंगे बस, अभी क्या होने वाला है, घर लौटने वाले? बिकॉज वहाँ पे निर्मला जी भी ऑलरेडी काफ़ी परेशान है, थोड़े परेशान हो रहे हैं आपके लिए जी। बस पर घुसूंगा पहन के चालू हो जाएंगे अपना जैसे यूजुअल होता है, बस ऐसे ही सब होने वाला है, बवाल होने वाला है, मैं घर पे जब घुसूंगा थोड़ी डांट तो पड़ेगी, मतलब इनके पापा नहीं सुना है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पर सब ठीक हो जाएगा, फिर हम फेस्टिवल भी मनाएंगे। हाँ वापस एक श्रृंगार स्वाभिमान। अच्छा मुझे नहीं पता ये बात ट्रू है, इनके मुझे ढूंढने निकले हैं। अच्छा मुझे भी पता, मैं तो लॉन में बैठा हूँ, बट वेरी नाइस यार इनके ढूंढने निकले। अच्छा लगे मुझे, गालियाँ देंगे, फायदा तो है नहीं, अच्छा मैं ना मिलूँ उनको, शारदा को मिल के अच्छा है। एनीवे गाइस सो थैंक यू, थैंक यू सो मच।